हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं ताकि हमारा जो अमाउंट है वो पैसों में ना दिखे। राउंडिंग ऑफ करने के तीन तरीके हैं, तो आज हम तीनों पर ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ का लेज क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्रिएट पर क्लिक करेंगे, लेजर पर क्लिक करेंगे, राउंडिंग ऑफ का लेज क्रिएट करेंगे, अंडर डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टाइप ऑफ लेजर इनवॉइस राउंडिंग सेलेक्ट करेंगे। राउंडिंग मेथड तीन है, तो सबसे पहले हम राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग करेंगे। राउंडिंग लिमिट 1 ही लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब हम जाएंगे वाउचर पर, हम जहां परचेज की एंट्री करेंगे तो उसके लिए F9 प्रेस करेंगे। उसके बाद इनवॉइस नंबर डालेंगे, पार्टी काउंट नेम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे। उसके बाद है रेट, तो जहां अमाउंट हमें पैसों में मिला है एंटर करेंगे, कंट्रोल ए, एंटर। उसके बाद हमने जो राउंडिंग का लेजर क्रिएट किया था उसे सेलेक्ट करेंगे। जहां हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक राउंडिंग ऑफ कर दिया है, टोटल अमाउंट भी हमें राउंडिंग ऑफ करके मिला है, यानी कि नॉर्मल राउंडिंग किस तरह से वर्क करता है, जो अमाउंट 50 से ऊपर है वो प्लस होगा और जो 50 से नीचे है, कम है, वो माइनस होगा। जहाँ हम चेंज करके देखेंगे, रेट डालेंगे, तो जहाँ अमाउंट प्लस हुआ है कंट्रोल ए करेंगे, तो नॉर्मल राउंडिंग इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद है डाउनवर्ड राउंडिंग, तो राउंडिंग ऑफ जहाँ पर ही हम कंट्रोल एंटर करेंगे, जहाँ हम नॉर्मल की जगह डाउनवर्ड राउंडिंग करेंगे, उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे। जहाँ जितने भी पैसे होंगे डाउनवर्ड में वो प्लस होते हैं, चाहे वो 25 हो चाहे 99 हो, वो प्लस ही होंगे। तो जहाँ हम चेंज करके देखेंगे, चाहे 99 हो चाहे 55 हो, तो जहाँ प्लस माइनस ही होंगे, तो डाउनवर्ड इस तरह से वर्क करता है। अब हम करेंगे लास्ट अपवर्ड राउंडिंग, तो हम जहाँ पर ही कंट्रोल एंटर करेंगे, जहाँ हम करेंगे अपवर्ड राउंडिंग, कंट्रोल ए करेंगे, जहाँ जो भी पैसे होंगे वो 1 रुपये से कन्वर्ट कर लेगा, नॉर्मल राउंडिंग में छोटी अमाउंट को माइनस कर लेता है, और जहाँ और अपर वर्ड में जो भी अमाउंट है उसे 1 रुपीज़ से कन्वर्ट करके प्लस कर देता है। तो राउंडिंग ऑफ इस तरह से वर्क करता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।